दोस्तों भारत सरकार ने एक मैसिव प्लान बनाया है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इन एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क से एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कंजेशन की समस्याएं तो दूर होंगी ही सही, साथ ही साथ कई शहरों के बीच ट्रैवल टाइम कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होगा और सीमलेसली डेवलपमेंट हो सकेगा। बहुत सारे एक्सप्रेसवेज शुरू किए जा चुके हैं पर कई अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, जिसे अंबाला नरनौल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक स्ट्रॉन्ग पुश देने के लिए कुछ स्कीम्स शुरू की हैं। इसमें से एक है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना में सैकड़ों किलोमीटर के रोड्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एक्सेट्रा बनाए जाने हैं। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉब्स क्रिएशन, स्मूथ ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम से डील करने में मददगार साबित होगा। हम इसके रूट, बजट और बेनिफिट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट वाला क्लोज टोल सिस्टम के साथ ये एक्सप्रेसवे करीब 262 किलोमीटर लंबा है। करंटली तमिलनाडु और कर्नाटक की कैपिटल सिटीज को दो रूट्स कनेक्ट करते हैं। बेंगलुरु से होस्कोटे होते हुए चेन्नई जाने वाला एक 335 किलोमीटर लंबा रूट है। वहीं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और होसूर से चेन्नई जाने वाला 372 किलोमीटर का रूट। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच बनने वाला नया एक्सप्रेसवे इन्हीं दोनों रूट्स के बीच प्लान किया गया है। ऑफिशियली इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 7 भी कहा जाता है। चेन्नई में आउटर रिंग रोड पर शुरू होकर ये कर्नाटका में होस्कोटे पर एंड होगा। रोड का अलाइनमेंट 5 हिस्सों में बांटा गया है। बेंगलुरु से कोलार, कोलार से पलामनेर, पलामनेर से चितूर, चितूर से कांचीपुरम और कांचीपुरम से श्री परुम्बादूर। ये एक 6-लेन रोड होगा जो दोनों शहरों के बीच ट्रेवल टाइम 6 से 7 घंटों से कम करके 4 घंटे तक कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि रोड 4-लेन होगा। इस पर व्हीकल्स 120 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड पर जा सकेंगे और एक्चुअल डिस्टेंस 80 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। करेंटली बेंगलुरु से चेन्नई यदि कृष्णागिरी होते हुए जाते हैं तो 345 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना होता है। नेशनल एक्सप्रेसवे 7 कर्नाटका में होस्कोटे और मलूर से होते हुए आंध्र प्रदेश में वीकोटा और पलमनेर से गुजरते हुए तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, वेल्लोर, गुडियात्तम, अरक्कोनाम और श्री परम्बादूर को जोड़ेगा। 75.64 किलोमीटर कर्नाटका में, 88.30 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में और 98.32 किलोमीटर तमिलनाडु में बनाया जाने वाला ये रोड चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट का लॉन्गर प्लान ये है कि सदर्न इंडिया को ईस्टर्न एशिया से स्मूथ कनेक्टिविटी दी जा सके, इसलिए चेन्नई का सीपोर्ट बेहद क्रूशियल स्ट्रेटजिक पॉइंट बनकर सामने आता है। बेंगलुरु से होते हुए सदर्न इंडिया के कई हिस्सों को चेन्नई पोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी दी जा सकेगी। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले करीब 20 सालों में 2 करोड़ 20 लाख जॉब्स क्रिएट करने और एक सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन बनाने की तरफ कदम है। एक मेगा और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के साथ साथ इस रोड के आसपास के कॉरिडोर एंटायर रीजन में सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बनेगा। एक्सप्रेसवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के अंडर बनाया जा रहा है, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट करीब 17,900 करोड़ रुपीस है। इसके लिए फरवरी 2020 तक 2,650 हेक्टेयर यानी करीब 6,548 एकड़ जमीन एक्वायर की जा चुकी है। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे 2025 तक शुरू होने की संभावना है। हम एक्सप्रेसवे पर डिस्कशन कर चुके हैं, अब एक नज़र उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी डालते हैं जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई शहरों को जोड़ते हुए बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर एक्सेलरेटेड ग्रोथ, रीजनल इंडस्ट्रीज की असेंबली और वेल प्लान्ड और एफिशिएंट इंडस्ट्रियल बेस बनने की तरफ एक कदम है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गोल है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट के लिए स्मूथ एक्सेस दे। साथ ही साथ इन्वेंट्री कॉस्ट यानी लागत कम करने में भी हेल्प करे। इस कॉरिडोर से
तीनों स्टेट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी GICA की एक टीम ने CBIC के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान तैयार किया है। इस स्टडी में पाया गया है कि अलग अलग सेक्टर के 25 ऐसे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आने वाली रुकावटों को खत्म करने के लिए शुरू में तैयार किया जा सकता है। प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस यह है कि पर्सपेक्टिव प्लान पूरा हो चुका है। CBIC के अंडर 3 नोड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो आगे डेवलप किए जा चुके हैं। पहला है कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया, आंध्र प्रदेश, तुमाकुरु इंडस्ट्रियल एरिया कर्नाटका और पोनेरी इंडस्ट्रियल एरिया तमिलनाडु। कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट में डिटेल्ड मास्टर प्लानिंग और करीब 2500 एकड़स में प्राइमरी इंजीनियरिंग वर्क्स पूरे हो चुके हैं। तुमाकुरु में भी ये काम किए जा चुके हैं और तमिलनाडु के पोनेरी में डिटेल्ड मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए कंसल्टेंट्स अपॉइंट हो चुके हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स इंक्लूसिवली कॉमन सिटीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक लाखों जॉब्स क्रिएट होने से व्यक्तिगत जीवन में सुधार आना संभव हो सकता है और ये सारी कहानी एक रोड से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे की। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा निर्मित किसी और एक्सप्रेसवे पर भी हम चर्चा करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।